हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने जीएस पेपर 1 प्लस हिस्ट्री, जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है, उसके लिए मध्य पाषाण काल की वीडियो लेकर आई हूं। पूरा पाषाण काल की वीडियो मैं पहले ही आपके सामने ला चुकी हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जीएस पेपर 1 के प्लेलिस्ट में और हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था कैसे थी और उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, कौन कौन सी जगह से मध्य पाषाणकालीन औजार मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ जगह हैं, सारा हम करेंगे A to Z मैप के थ्रू करेंगे। प्लस मैं आपको वो चीज़ें लर्न भी करवाऊँगी, वो चीज़ें बताऊँगी भी कि इस जगह पर ये चीज़ें मिली हुई हैं और ये प्री के साथ साथ मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मध्य पाषाण काल। तो ये थोड़ा सा मैं एक ही टॉपिक में मध्य पाषाण काल करा रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी पूरी डिटेल कराऊंगी। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम करेंगे मध्य पाषाण काल। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे, जो व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सीरीज चलाई जा रही हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो एक बार मेरे चैनल पे विजिट करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में जो कराया था उसका रिवीज़न आप लोग देख लीजिए कि मैंने प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में डिवाइड किए थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तीनों के एरा भी दिए हुए हैं कि इस युग में ये काल थे। लास्ट टाइम हमने पुरापाषाण काल के 3 डिवीजन देखे थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपुरापाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में पढ़ा था कि ये भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने सबसे पहले पाषाण काल के बारे में खोज की थी, औजार खोजे थे। महत्वपूर्ण तथ्य काफ़ी सारे हमने जाने थे पुरापाषाण काल के बारे में, वो जगह भी देखी थी जहाँ से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो आज हम करेंगे मध्य पाषाण काल, जिसका जो एरा दिया हुआ है ये दिया है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। एक चीज़ और कि थोड़े से कमेंट आ रहे हैं कि एरा में कन्फ्यूज़न है, कई जगह कुछ दिया हुआ है, कई जगह कुछ दिया हुआ। तो ये चीज़ है कि इंडिया में कई जगह ये साइट्स खोजी गई हैं, उत्तर में भी खोजी गई हैं, दक्षिण में भी खोजी गई हैं। तो हर एक जगह अलग अलग टाइम पीरियड में ये मिले हैं साक्ष्य। तो कहीं जगह 10000 से लेकर 5000 तक ईसा पूर्व तक दिया हुआ है, कहीं 9000 से 4000 तक दिया हुआ है। तो आप ना इसके आगे जब भी आंसर राइटिंग करेंगे आगे लिख दीजिएगा लगभग। अगर आप लगभग लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आसपास ही होना चाहिए। थोड़ी ना कि आप लोग वहाँ पे 5 लाख या 10 लाख करेंगे। 9000 से 4000 के बीच में अगर आप लिखते हैं, वैसे तो ये NCERT में यही दिया हुआ है तो आप यही फॉलो कीजिएगा, लेकिन कहीं जिस पर बच्चों को कन्फ्यूज़न है तो आप मध्य पाषाण काल का ये जो एरा है ये लगभग इतने का है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग सभ्यता, अलग अलग साक्ष्य खोजे गए हैं। इसीलिए अभी इतिहासकारों के बीच भी ये कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअल डाटा होना क्या चाहिए। इसीलिए NCERT में जो चीज़ें दी गई हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। तो आप इसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कहीं 10000 से 5000 भी दिया हुआ है, कहीं 11000 से 6000 भी दिया हुआ है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा इधर उधर करके लगभग लिख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में तो काफ़ी लेट खोजा गया है ये मध्य पाषाण काल का, उत्तर भारत में ये पहले सभ्यता आ गई थी। तो इसी हिसाब से इन लोगों ने ये डिवीज़न किया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि भारत में जो मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी वो दी थी सर्वप्रथम 1867 में, जब कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। तो मध्य पाषाण के बारे में जानकारी इन्होंने दी थी जब 1867 में, जब उपकरण खोजे गए थे। और इसके बाद हर एक क्षेत्र में, देश में खुदाई होने लगी, पता चलने लगा कि पुरापाषाण काल के बाद भी कोई काल था मध्य पाषाण काल। तो उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर खुदाई होने लगी और बहुत सारे पाषाण के उपकरण मतलब पत्थर के उपकरण, पाषाण माने पत्थर, तो पाषाणकालीन उपकरण मतलब पाषाण जो पत्थरों से बनाए गए उपकरण थे वो खोजे जाने लगे। तो इससे मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है वो सामने आई, सबके उजागर हुई, उसकी खोज हुई। बहुत सारे मतलब कि इससे पता चलता है कि जो मध्य पाषाणकालीन जो मानव था ना, वो इंडिया के पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में निवास करता था, मतलब उसका एरिया लिमिटेड नहीं था।
जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया का कुछ हिस्सा जो उत्तर भारत में हमारा आता है वहाँ पे था। लेकिन जो मध्य पाषाण काल का जो अभी तक साक्ष्य मिला और नवपाषाण काल का जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें इन लोगों का भूभाग जो एरिया था बहुत ब्रॉड था। दक्षिण में भी बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ मिली हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाणकालीन वहाँ जीवन था। अब हम आज इसमें जो पढ़ेंगे वो उपकरण के बारे में देखेंगे, कैसे उपकरण थे मध्य पाषाणकालीन जो लोग थे वो अपना जीविकोपार्जन कैसे करते थे वो देखेंगे। प्रमुख स्थल देखेंगे उत्तर में भी और दक्षिण में भी, किस हिसाब से स्थल थे, कौन से थे, वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। और समाधान के बारे में जानेंगे कि लोग जो भी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो कैसे उनको दफनाते थे या जलाते थे या जो भी करते थे, और कहाँ कहाँ किस हिसाब से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं शवों के, या शवों के साथ कुछ और भी जलाते थे, गाड़ते थे या जो भी करते थे, अब हम आगे लेक्चर में पढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए आज देखते हैं, सबसे पहले जीविका के बारे में जानते हैं। तो ये जो जीविका थी उस टाइम में तो पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा थोड़ी से भिन्न थी। तो ये ऑब्वियस है कि जब थोड़ा सा ग्रोथ होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की तरफ मनुष्य आने लगा, तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगा। शिकार तो अभी होता था जैसे पूरा पाषाण काल में शिकार होता था, शिकार मध्य पाषाण काल में भी होता था। लेकिन इस काल में थोड़े लोग मछली पकड़ना भी सीख गए थे, मतलब कि उसे पकड़ के लोगों से पहले तो वो नहीं, बेचने का सिस्टम तो था नहीं, लेकिन एक दूसरे से बांट के ये मतलब काम चलाते थे, व्यापार टाइप में करते थे। और लेकिन अभी भी वो लोग कृषि करना तो नहीं सीखे थे, क्योंकि कृषि करना तो वो लोग नवपाषाण काल में सीखे थे। ज़्यादातर लोग शिकार पर ही निर्भर थे, अभी भी हम कह सकते इस एरा में भी शिकार ही मुख्य व्यवसाय या जीविका कही जा सकती है लोगों की। इस काल में लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े आदि का शिकार करने लगे थे। पहले थे थोड़े छोटे जानवरों का करते थे, लेकिन अब उनके औजार इतने अच्छे हो गए थे, मतलब कि बहुत परिष्कृत कर लिए थे उन्होंने अपने औजारों को, तो वो गाय, बैल, बड़े बड़े जानवर, जंगली घोड़े, भैंसे आदि का भी शिकार करने लगे थे। लास्ट एरा आते आते जब मध्य पाषाण काल का लास्ट आने लगा, तब वो लोग थोड़ा बहुत कृषि के संबंध में जागरूक होने लगे, कृषि को समझने लगे, थोड़ा बहुत सीखने लगे उन कृषि का। और अंतिम चरण में आते आते मध्य पाषाण के अंतिम चरण जब आने लगा तो वो लोग बर्तनों का संग्रह भी करना सीख गए थे। ऐसे ही उनसे उनका जैसे कि अब वो थोड़ा सा झुंड में रहने लगे, थोड़े से घर बनाने लगे थोड़ा थोड़ा अपना, तो वो लोग ना और जानवरों से भी परिचित होने लगे। पहले तो अकेले रहते थे, ज़्यादा गुफाओं में रहते थे, बाहर कम निकलते थे, शिकार करते थे थोड़ा बहुत, तो इतने जानवरों के बारे में नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा जानवरों से परिचित होने लगे इसमें, तो और खाद्य संग्रह करने लगे, मतलब कि इकट्ठा करके रखने लगे। पहले क्या होता था, मारते थे, खाते थे और आगे चल देते थे। अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे वो लोग जहाँ पे जो सामग्रियाँ मिलती थी, फल, फ्रूट, कंद, मूल, जो भी मिलता था उन्हें, वो इकट्ठा करने लगे, मछलियाँ इकट्ठी करने लगे, शिकार करते थे उन्हें इकट्ठा करके रखने लगे, और आगे के लिए अपना जो भी दो तीन दिन के लिए आगे के लिए अपना भोजन इकट्ठा करके एकत्रित करके रखने लगे। तो इस टाइप से उनकी जीविका चलती थी। तो आगे बढ़ते हैं, उपकरण के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि किस टाइप के उपकरण यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो उपकरण हमें मिले हैं बहुत ही अच्छे, मतलब कि पॉलिशदार मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले क्या था कि पहले खुरदरे पत्थरों के औजार थे, खुरदरे टाइप में थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये कुल्हाड़ी टाइप में मिली है, ये जैसे कि पतले दांतों वाले औजार मिले हैं, ये इस टाइप में दांत पतले होते थे। जैसे ये देखिए, ये नुकीले टाइप में, ये जैसे लग रहा है कि परिष्कृत औजार है, इन्हें खरोचा गया है, रगड़ा गया है, पॉलिश की गई है, इस टाइप से औजार यहाँ पर मिले हैं। मैंने कुछ औजारों के नाम दिया है, इकदार फलक होता है, बेधनी होती है, छिद्रक होता है, बेधक होता है, ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे कि इस टाइप के औजार मध्य पाषाण काल में मिले हैं। और इनके जो उपकरण के वो जो आकार थे, या तो वो त्रिभुजाकार थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार हो गया, या फिर उनका चतुर्भुज आकार के ये पत्थर, जैसे कि ये वाला चतुर्भुज आकार के औजार बनाए जाते थे। और यहाँ पर जो औजारे हैं वो ज़्यादा पॉलिशदार, ज़्यादा नुकीली, ये सब चीज़ें ज़्यादा यहाँ पाई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बस इसे आपको माइंड में बिठाना है और कुछ उपकरण के नाम लर्न कर लेने हैं कि इस टाइप से उपकरण जो मैंने अभी और बताया और भी, तो उस चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें इस एरा में आपको लिखनी है एग्ज़ाम में।
शवाधान के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी शवाधान मिले हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ना समाधियों को गाड़ते थे, मृतकों को समाधियों के अंदर गाड़ते थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, समाधि बना के उसमें नीचे ऊपर उन्हें गाड़ के ऊपर पत्थर लगा दिए जाते थे। यहाँ पर जैसे खुदाई में ये कंकाल मिला है, तो समाधि बनाते थे और समाधियों के साथ साथ उसमें खाद्य सामग्री, औजार और हथियार भी रख देते थे। मतलब कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी जगह पे मिले हैं इस टाइप की चीज़ें। तो औजार, हथियार, खाद्य सामग्री, ये सब इन लोगों के साथ जो भी मृतक होते थे उनके साथ दफना दिया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग लोकोत्तर जीवन में भी विश्वास करते थे, मतलब कि इस दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया है उसमें ये लोग विश्वास करते थे कि जो भी साथ में इनके साथ दफनाया जाएगा वो उनके साथ ऊपर जाएगा, ऐसा ये लोग बिलीव करते थे। इससे ये पता लगता है हम लोग को। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये लोग कैसे अपने लोगों को दफनाते थे। तो जलाने का साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ दफनाने का यहाँ साक्ष्य मिला है। यहाँ पर जो है जिन स्थानों पर खुदाइयाँ हुई हैं वह कब्रिस्तानों की संख्या अधिक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वोत्तम पाए गए हैं, मतलब कि सबसे पहले जो अस्थि पंजर पाए गए हैं वो मध्य पाषाण काल के ही पाए गए हैं। इसके बारे में हम और बता देते हैं आपको, राजस्थान की जो बागोरा जिला है वहाँ से मानव कंकाल मिले हैं। और ये जो मानव कंकाल यहाँ मिले हैं, ये जो मिले हैं ये 14 मानव कंकाल यहाँ मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर मानव कंकाल पाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात कर लेती हूँ इसमें। तो पहले हम बात करते हैं आग। तो आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हो चुका था, जैसे कि कह सकते हैं उदाहरण के लिए सराय नाहर राय से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली है, तो इससे पता चलता है कि आग का आविष्कार हो चुका था। बर्तन, तो इस काल में जो बर्तन मिले हैं वो प्राप्त होने लगे थे, कि जैसे कि चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद में स्थित है यहाँ पर बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे प्राचीनतम, विश्व के सबसे प्राचीनतम बर्तनों के साक्ष्य मध्यकालीन युग में इंडिया से ही प्राप्त हुए हैं। आवास में, मध्यकाल में आवास अस्थाई होते थे क्योंकि अभी भी मानव जो है घूमता फिरता रहता था, पशुपालक होता था और आखेटक होता था। पशुपालन के साक्ष्य तो ऑब्वियस हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार तो वही शिकार ही था, लेकिन लोग इस काल में लास्ट आते आते पशुपालन करने लगे। जैसे कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागौर नामक स्थान पर पशुपालन के प्राचीनतम यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हम बात कर लेते हैं कि भीमबेटका जो जिला है यहाँ पर, भीमबेटका में आदमगढ़ में मिर्जापुर में चित्रकला के बहुत अच्छे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा है जो रायसेन में स्थित है, यहाँ पर बहुत ऐसी जानकारी है जैसे कि जो चित्रकला है उसमें यौन संबंधों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, बच्चों के जन्म के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मतलब इस टाइप की चित्रकला भी उस समय की जाती थी। शवाधानों इत्यादि के चित्र भी मिले हैं, इस पे स्पष्ट हो चुका है। जैसे इस टाइप के चित्र मिलने से क्या पता लगता है कि लोग सामाजिक जीवन उनका शुरू हो चुका था, सामाजिक संबंध विकसित होने शुरू हो गए थे। और ये जो चित्र मिले हैं ये पत्थरों की दीवारों पर बनाए गए चित्र और नक्काशियों से मध्य पाषाण काल के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि विंध्याचल की गुफाओं और शैलाश्रमों से शिकार, युद्ध और नृत्य के नाच के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मध्य पाषाण काल में हमें प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महत्वपूर्ण स्थल में ही बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, कौन सी जगह से क्या चीज़ प्राप्त हुई है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ देखना। तो ये जैसे कि बीरभानपुर, मदहा, सराय नाहर राय, लंगनाच, ये सारी जगह है जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। तो ये हमें मिले हैं मध्य पाषाण काल के स्थल। मैं आपको जगह डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि मध्य पाषाण काल के जो पूरा स्थल मिले हैं बहुत पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। यहाँ पर उत्खनन के बाद बहुत सारे लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, मतलब कि पाषाण के छोटे छोटे उपकरण बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में एक सबसे प्रमुख स्थल है भीलवाड़ा में, जिले में है बागौर। बागौर यहाँ से 1968 से 1970 तक खुदाई हुई है, जिसमें बी.एन. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ बहुत सारी ने लोककालीन चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही गुजरात प्रांत में लंगनाच, गुजरात में यहाँ पर
लंगनाज बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह, ये देखिए ये यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है लंगनाज, ये रहा, तो ये यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ जो उत्खनन करवाया था, यहाँ करवाया था एच डी संकालिया ने, बी सुब्बा राव ने, ए आर कनेडी ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था। यहाँ लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और इसमें फ्लेक्स की संख्या अधिक मिली है। यहाँ फ्लेक्स नामक उपकरण है, यहाँ अधिक मिली है। यहाँ 14 मानव कंकाल भी मिले हैं इसी जगह पर, यहाँ पर लंगनाज में। और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित जो संगल कुल्लू है, ये संगन कुल्लू है, यहाँ पर मिले हैं ज़्यादातर। इस यहाँ भी जो उत्खनन करवाया था ये सुब्बाराव और संकलिया ने करवाया था 1946 में और 1969 में, और खुदाई करवाई गई, यहाँ भी बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी तरह जैसे कि 1964 में आर वी जोशी ने होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ येरा एरिया आदमगढ़ में करवाया उत्खनन, तो यहाँ 25,000 लगभग लघु पाषाणोपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार रायसेन जिले में जो भीमबेट का है येरा, जो कि पूरा पाषाणकालीन स्थल भी था, यहाँ पर भी शिलाश्रयों तथा गुफाओं के मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ इन दोनों जगहों पर मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले हैं। और इनकी गुफाओं की जो खोज की थी वो की थी 1558 ईस्वी में वी एस वाकड़कर ने की थी, इनकी भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाओं की खोज। ऐसे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी गंगा, मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र, मध्य पाषाण, ये जो एरिया है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये पूरा एरिया मध्य पाषाण काली उपकरण के लिए अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पर वाराणसी जिले के चकिया तहसील का मिर्जापुर जिला, इलाहाबाद का मेजा, करछना, बारा तहसील के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे ही मिर्जापुर जिले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिसमें नर कंकाल मिले हैं, पाषाण के उपकरण मिले हैं। और लेखैया एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही, यहाँ 17 नर कंकाल मिले हैं और जिनका जो सर है वो पश्चिम दिशा में स्थित है, मतलब कि सर इस साइड में है और पैर इस साइड में, इस हिसाब से नर कंकाल मिले हैं लेखैया जिले में, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह चोपानी मांडव, यहाँ पर 15,000 वर्ग मीटर फैला एक विस्तृत क्षेत्र है जो कि इलाहाबाद में है, चोपानी मांडव नाम है इनका। और यहाँ पर मिले हैं बहुत सारे उपकरण, यहाँ भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेबुल ज़्यादा उपकरण मिले हैं जिसका निर्माण जो हुआ है चर्ट पत्थरों से ज़्यादातर किया गया है। और यहाँ झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, हाथ के बर्तन मिट्टी के बनाए हुए मिले हुए हैं। और इसका जो काल निर्धारित किया गया है वो 17,000 से 7,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया, जो कि मैंने पहले ही बताया कि काल निर्धारण में बड़ा डिफरेंस हो गया है। इसी तरह प्रतापगढ़ जिले में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय महदहा दमदमा नामक मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल, इसका जो स्थल है उनके भी उत्खनन किया गया। और यहाँ से जो सराय नाहर राय थे, हमें जैसे कि ब्लेड मिले हैं, स्कैपर मिले हैं, चंद्रिका मिली है, वेधक, संबाहु, विषमबाहु, त्रिभुज, और इनका भी निर्माण बहुत महंगे महंगे पत्थरों जैसे कि चर्ट, एगेट, जेस्पर आदि से किया गया है। यहाँ अस्थि और सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं हम लोगों को। और यहाँ पर 14 शवदान और 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए, गर्त मतलब कि गड्ढे में पाए जाने वाले चूल्हे, ये मिले हैं हमें सराय नाहर राय से। और बहुत जो भी समाधान मिले हैं यहाँ पर, उनका ज़्यादातर सर जो पश्चिम की तरफ और पैर पूर्व की तरफ मिला है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि मध्य पाषाण काल में ज़्यादातर इस टाइप की चीज़ें ही पाई गई हैं। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ कि जो भी समाधियाँ मिली हैं यहाँ पर पत्थर और हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं समाधियों के साथ। और महदहा से सिल लोड़े हथौड़े के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं मदहा से, और लोग घास के दानों को पीसकर खाने के काम में लाते थे यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है। ऐसे ही दमदमा की हम बात करें तो यहाँ पर 1982 से 1987 तक उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ पर 41 मानव शवाधान मिले हैं, गर्त चूल्हे मिले हैं, हड्डी और सिंह के उपकरण आभूषण मिले हैं, पशुएं भेड़ बकरी गाय बैल भैंस हाथी गेंडा चीतल बारहसिंगा सूहर
आदि की हड्डियां भी यहाँ प्राप्त हुई हैं और कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुओं की हड्डियां भी यहाँ मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि इस काल में भी मनुष्य मांसाहार करता था और ये जो मांसाहारी था वो चूल्हे पे पका के खाते थे लोग। सिल लोढ़े के हथौड़े के टुकड़े भी यहाँ मिले हैं दमदमा से। तो इस हिसाब से बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं। आप लोग एक उस साइट्स के नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सी साइट्स आप लोगों को पता है इसके बारे में। मैंने काफ़ी साइट्स के बारे में आपको बता दिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।